आप सभी का एक बार फिर से सीडी वेब पर स्वागत और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्र बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। कुएं की ढांग गिरने से दो किसानों की मौत। नकुड़ के गांव नारायणपुर में खेत के कुएं से ईंटे निकाल रहे एक ही परिवार के दो किसानों की ढांग गिरने से मौत हो गई। पुलिस प्रशासनिक अमले ने जेसीबी मशीन की मदद से दोनों शवों को निकलवा कर पोस्टमार्टम में भिजवाया। एक ही परिवार के दो युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। हादसा गुरुवार सुबह 9 बजे का है। गांव नारायणपुर निवासी शिव कुमार व अंकित अपने खेत के करीब 35 फीट गहरे कुएं से ईंटे निकाल रहे थे, तभी अचानक कुएं की ढांग गिर गई जिससे वे दोनों मिट्टी की ढांग में दब गए। कुएं से बाहर खड़े शिव कुमार के पुत्र आशीष ने शोर मचाया और ग्रामीणों तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे SDM अजय कुमार अबसस्ट व तहसीलदार राधेश्याम शर्मा व पुलिस बल ने जेसीबी मशीन बुलाकर दोनों युवकों को करीब 1 घंटे बाद बाहर निकलवाया। CHC ने डॉक्टरों ने बता दी कि दोनों किसानों को मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ संगठन द्वारा आज विकास भवन में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि उनकी मांगे थी कि कुछ डीलर यूरिया खाद की जोर शोर से कालाबाजारी कर रहे हैं और होलसेल डीलर आज के साथ अन्य प्रोडक्ट भी दे रहे हैं जो कि गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने ऐसे डीलरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर संबंधित अधिकारी से विरोध जताया और ना होने पर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि मुख्य रूप से चौधरी सुखबीर सिंह, जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह, प्रिंस चौधरी, सागर सैनी व अन्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस छोड़ सपा से जुड़े इमरान के गर्दिश में तारे अखिलेश ने नहीं दी तवज्जो। आजम खान के खास शहनवाज को बनाया MLC प्रत्याशी। पश्चिमी यूपी के कदावर नेता इमरान मसूद विधानसभा चुनाव 2022 से पहले काफी जद्दोजहद और बयानबाजी के बाद सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव के आने पर बराबर की सीट पर भी बैठे, फिर भी सपा ने चुनाव में इमरान को टिकट नहीं दिया। उनके कहने पर सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर किसी भी प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया। विधान परिषद में जाने के इंतजार में थे मगर आजम खान के करीबी पूर्व मंत्री सरफराज खान ने इमरान को पटकनी देकर अपने बेटे शहनवाज खान उर्फ शब्बू को MLC प्रत्याशी बनवा दिया। प्रदेश में तेजी से गिर रहा संक्रमण का ग्राफ, टीकाकरण अभियान ने पकड़ी यूपी में रफ्तार। उत्तर प्रदेश ने टीकाकरण अभियान में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद कम समय यूपी में टीके का कवच प्रदेशवासियों को दिया गया। टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश में हर कैटेगरी में 90% से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ टीके की डोज देने के साथ ही टीकाकरण अभियान में दूसरे प्रदेशों की तुलना में पहले पायदान पर अपना स्थान बनाए हुए। यही कारण है कि महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों को पछाड़ते हुए देश में यूपी टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहा है। सहारनपुर में हसनपुर रोड स्थित आज डेरा सचसौदा के अनुयायियों द्वारा आज गंगा दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में इस चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए मीठा शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डेरा सचसौदा के सेवादारों ने आज हजारों लोगों को मीठा जल पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। वहीं आपको बता दें कि ये कार्यक्रम शाम तक चला, इस जिसमें राहगीरों को मीठा शरबत वितरित किया गया। सहारनपुर बुधेश्वर महादेव मंदिर में व्यापारियों द्वारा महावीर ट्रेडिंग कंपनी के नेतृत्व में बीते 8 दिनों से विशाल मीठी छबील का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन रास लीला में पहुंचने आने वाले लोगों के लिए पानी और शरबत का इंतजाम किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे। बता दें कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन ये लगातार करते आ रहे, कभी बाजारों में तो कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड पर मीठी छबील का आयोजन करते हैं ताकि चिलचिलाती गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर
आज शाहजहांपुर स्थित यमुना घाट पर स्नान को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही यमुना तट पर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। श्रद्धालुओं ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर माँ यमुना जी को पुष्प और दीप अर्पित कर पुण्य कमाया। इस दौरान यमुना तट पर मेला भी लगा। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाते सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। उधर सुरक्षा को देखते हुए यमुना की गहराई होने पर खतरे का निशाना लगाते बैरिकेडिंग भी की गई। सहारनपुर महेश्वरी खुर्द निवासी मुकर्रम पुत्र जमील द्वारा जिलाधिकारी व कमिश्नर कार्यालय पर गुहार लगाएगी कि नगर निगम द्वारा जो उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उसको रुकवाया जाए। उनका आरोप था कि नगर निगम उनकी कई बीघा जमीन अपनी बता रहा है, जबकि वह जमीन उनके दादा परदादा की है और इस पर कब्जा न है, उसी को लेकर उन्होंने शिकायत पत्र दाखिल किया। उनका कहना था कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराकर उनको हक दिलाया जाए। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। नगर यहाँ गाँव महेश्वरी खुद में नगर निगम हमारी ज़मीन पर कल जोर जबरदस्ती जेसीपी ले गए। भाई उपनगर आयुक्त साहब 5-7 अधिकारी और थे, हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर दे। ज़मीन गाँव महेश्वरी खुद में जी खेती महेश्वरी खुर्द जी अजी। बस यही मैं डीएम साहब को अप्लीकेशन दी थी, डीएम साहब ने कहा इसकी जाँच करवा रहे, कमिश्नर साहब को दी थी जी जी साहब मेरी ज़मीन मिल जाए। जहाँ मेरी ज़मीन है, ज़मीन मेरी 17 बीघे जी। नगर निगम कितने का है जी? नगर निगम ज़मीन सारी पर कब्जा दे रहा, मगर आपका कुछ हिस्सा ही नहीं आया यहाँ से। कब से जमीन आपके दादा ही लाई जी? पर दादा मेरे जी मैं ही बोल रहा, मेरे पेड़ खड़े थे, मेरे पेड़ सारे उखाड़ दे 500-600 निगम के कर्मचारियों ने। श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जय घोष के साथ लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा के अवसर पर क्षेत्र में बाहर से पहुंचे काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कुआखेड़ा संगम स्थल पर डुबकी लगाकर मोक्ष व कल्याण की कामना की। हालांकि पुण्य पर्व पर पहली बार पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं ने सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध देखने को मिला, लेकिन हाईवे से संगम स्थल तक पहुंचने के लिए वाहनों को उचित प्रबंध न होने से लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ा। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।